दोस्तों आज मैं जो है लेमन ग्रास का जो है काढ़ा बना रहा हूँ, जिसमें मैंने पानी गर्म कर दिया है। पानी गर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ये है देसी गुलाब का फूल जो आप मैं तोड़ के लाया हूँ, ये लेमन ग्रास के पत्ते हैं। और इसमें ये देखिए लौंग है, काली मिर्च है, ये जायफल का है, ये देखिए जायफल का है, इसी मैंने थोड़ा सा तोड़ करके इसमें डाल दिया है, जायफल है। ये छोटी इलायची है, इसको मैंने कूट लिया है। और ये दालचीनी है, ये सभी को मैं जो है खोल के पानी में डाल दे रहा हूँ। अब इसमें जो है लेमन ग्रास के पत्ते जो है, देखिए ये लेमन ग्रास का पत्ता है जो धोकर मैं रखा हूँ, इसको डाल दे रहा हूँ। ये इसको भी डाल दे रहा हूँ, इसको भी डाल दे रहा हूँ। अभी आपके जो है फूल गुलाब के हैं, इससे डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है और जो है वजन भी कम होता है। जिन लोगों को वजन ज़्यादा है उनको यह जो है काढ़ा बढ़ावा पीना चाहिए, इससे आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा और शुगर भी नियंत्रित रहेगा। दोस्तों इसकी डंठी मैं निकाल दे रहा हूँ, ये डंठी मैं निकाल दे रहा हूँ, केवल पत्ते ही पत्ते इसमें रहेंगे। देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ, इसको मैं फेंक दे रहा हूँ। देखिए पत्ता है, अब इसको मैं जो है इसी में डाल दे रहा हूँ। ये हो गया, तो जो है काढ़ा पक रहा है। देखिए काढ़े बड़े आराम से पक रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों वजन इसे नियंत्रित रहेगा, वजन भी घटाएगा, जितना वजन आपके शरीर में चाहिए उतना ही वजन रहेगा। फालतू चर्बी को ये गुलाब के फूल जो है चर्बी को जो है फालतू चर्बी को शरीर से निकाल देते हैं, मदद करते हैं। और ये लेमन ग्रास बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी है, इसका काढ़ा पीने से बहुत से फायदे हैं, लेकिन मैं जो आजमाया हूँ वही मैं बता पाऊँगा। तमाम इसके तो तमाम फायदे हैं, लेकिन मैंने इसको जो है नहीं टेस्ट किया है, लेकिन मैं यह टेस्ट किया हूँ शुगर के कंट्रोल में, शुगर को मैनेज करने में, शुगर को रिवर्स करने में ये बहुत ही रामबाण काढ़ा है। ये हफ्ते में एक दिन बदल बदल के काढ़ा पीना चाहिए, फिर जब उसका नंबर आए तो उस काढ़े को पीजिए। दोस्तों आप डायबिटीज से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द, तमाम ऐसे जो है लाइफ डिजीज हैं जो आपके खान पान के बदल देने से आप की लाइफ स्टाइल बदल देने से ही क्योर ठीक हो जाते हैं।
दोस्तों आप भी जो है सुबह सुबह खाली पेट इन्हीं सभी काढ़ों को बनावें और उसका सेवन करें और ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी बीमारियों से लाभ में लाभ पाएं। दोस्तों अभी काढ़ा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा तो मैं आपके पास आऊँगा।